हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा एवं ताप। इस वीडियो में हम हीट और टेम्परेचर को समझेंगे। हीट और टेम्परेचर को समझने के लिए हम इनके डिफरेंस को समझेंगे, और यदि हमने इनके डिफरेंस को अच्छे से समझ लिया तो हम लोग हीट और टेम्परेचर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। किसी भी बॉडी में जो एनर्जी है उस एनर्जी के अमाउंट को हीट कहा जाता है, जबकि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ हीट, यानी कि हीट की इंटेंसिटी क्या है, हीट की तीव्रता क्या है, वो टेम्परेचर है। तो डेफिनेशन क्या है? हीट एक तरह की एनर्जी है जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बहती है, जबकि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि यह बताती है कि फ्लो ऑफ हीट का डायरेक्शन क्या होगा, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये टेम्परेचर बताता है। हीट को मेजर करने के लिए हम बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे, यानी कि किसी भी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हीट कहा जाएगा, और इसी प्रकार से बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसत गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को इंडिकेट करेगी। हीट ये टेम्परेचर के कारण होता है, इट इज ए कॉज ऑफ टेम्परेचर, और जबकि टेम्परेचर जो है इट इज द अफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का असर जो है वो टेम्परेचर होता है। हीट की क्या प्रॉपर्टी होती है? हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। टेम्परेचर में क्या होगा? जब बॉडी में ज्यादा हीट आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और बॉडी जब हीट को लॉस करती है तो टेम्परेचर कम होता है। हीट की यूनिट होती है जूल, क्योंकि एनर्जी है तो जूल, और टेम्परेचर की यूनिट होगी केल्विन। हीट को नापते हैं कैलोरीमीटर से और टेम्परेचर को नापते हैं थर्मामीटर से। हीट को इंडिकेट करते हैं क्यू से और टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं टी से। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब मॉलिक्यूल्स के मोशन जीरो हो जाए, यानी कि वो टेम्परेचर जहां पर मॉलिक्यूल्स के पास मोशन ही नहीं बचता, उसका मोशन जीरो हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसकी वैल्यू होती है जीरो केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, टेम्परेचर की दो यूनिट हो रही है सेल्सियस और केल्विन, इनके बीच में रिलेशन होता है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी कि जब सेल्सियस में 273.15 की वैल्यू जोड़ दी जाए तो हमको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाता है। तो के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इस वीडियो में हमने टेम्परेचर और हीट को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रहा ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।